ज्ञापन दिया गया है सारे मुस्लिम को है, क्या कारण है जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अनवर अली काजी साहब। सर क्या मामला, किस संबंध में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के? यहाँ पर यूपी के अंदर यति नरसिंह राव है जो आए दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ बयान देता रहता है। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, सीएम साहब योगी साहब ने भी उनको लताड़ दी है, और हम ये चाहते हैं कि इस जालिम आदमी को कम से कम फांसी की सज़ा हो और ये परमानेंट जेल के अंदर रहना चाहिए ताकि ये जहरीले बयान ना उड़े। ये जब भी टीवी के सामने या पत्रकारों के सामने मुखातिब होता है तो हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलता है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये परमानेंट जेल के अंदर रहे। किसके नाम, किसके ज्ञापन सौंपा गया? हमने कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कलेक्टर साहब ने आश्वासन दे दिया है। जी सर, कलेक्टर साहब ने पूरी आश्वासन दिया है हमको और बिल्कुल दिलासा दिया है कि आप बिल्कुल हम तुम्हारी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, यहाँ तक नहीं ऊपर तक, और इसके ताल्लुक से हम सख्त से सख्त कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुल्क के जो संविधान है उसके खिलाफ कोई बात ना आए और मुल्क के अंदर अमन चैन बाकी रहे। और ऐसे लोग अभी तो यति नरसिंह नाहन आनंद जो है और एक रामगिरी जो है महाराष्ट्र के अंदर, उसने भी कुछ दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर घुसाई की, हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हम हर एतबार से और हमारी जानी माली कुर्बानी हम दे सकते हैं, मगर जो हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इसके ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से भी और हमारे जिस बिरादरान वतन जो रहते हैं मुल्क के अंदर, सर समाज के लिए किसी भी पेशवा, किसी समाज के पेशवा को बुरा भला ना कहें, ये संविधान के खिलाफ बात है और ये किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए ताकि मुल्क का अमन चैन बाकी रहे उसके लिए और जगह भी ज्ञापन लगे, और हम गंगापुर जिला गंगापुर सिटी के अंदर भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है और ये लोग मौजूद है आपके सामने, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आगे के अजाइम बड़े संगीन और मजबूत है, वो हम आगे कार्रवाई भी करेंगे, बड़ा आंदोलन करना जाएगा अगर इस पर कार्रवाई ना की गई। गंगापुर में भी कुछ लोग ऐसे हैं यति नरसिंह राव की बात पर यस करते हैं, कमेंट करते रहते हैं। हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि जो लोकल गंगापुर के जो निवासी हैं वो भी यति नरसिंह राव या कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं उस पर कमेंट करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ ये मुनासिब नहीं है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे के प्यार प्रेम को बिगाड़ना या इसके खतरे में, यूँ समझिए कि ये मुसलमानों का एक आखिरी सब्र का एक इम्तिहान है, लेकिन इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की एक ऐसी एक अकीदा बना हुआ है, एक धार्मिक ऐसा ये इशू है कि इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी मुस्लिम, अदना से अदना मुस्लिम भी इस बात को लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशी से अपने फांसी के फंदे को चूम सकता है, गर्दन कटा सकता है अपनी, क्योंकि ये एक धार्मिक सिस्टम है। हम ये चाहते हैं कि आप मीडिया के जरिए से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके के लोगों को के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। आए दिन इस तरीके से गंगापुर सिटी में भी हमने नामजद ज्ञापन दिया है, वो लोग आए दिन इस तरीके से बातें करते रहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सबके लिए खतरा है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये कोई किसी के लिए मुनासिब नहीं है। ये सांप्रदायिक झगड़ा फैलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। और जुर्म का देखिए, जराइम जो करता है मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता है। प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि मुजरिम का कोई धर्म ना पूछा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हो या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता हो। इसलिए ये ऐसा ये बर्दाश्त नहीं है और ये हद है। अब इसके बाद में हम लोग क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये हमारी आस्था है, हमारा ईमान है, हम इसी से जिंदा हैं, इसी नाम पर हम जिंदा हैं। अब इससे ज़्यादा हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आपके माध्यम से हम प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त सजा दी जाए इन लोगों को। ठीक है सर। और ये जो यति नरसिंह नंद है, इसको पहले भी इसके खिलाफ FIR कर चुकी है, पहले भी इसके खिलाफ कंप्लेन हो चुकी है और कोर्ट ने इसको इस कह के छोड़ा था कि दोबारा से ये हरकत नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके
वो अपने मंचों से काफ़ी हज़ार लोगों को इकट्ठा करके नफरती बयान एवं मर्यादित टिप्पणी, जिसमें वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदू मजहब के लोगों पर भी एवं मर्यादित टिप्पणी करता है, देश की माँ बहनों के ऊपर गलत टिप्पणी करता है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि किसका प्रोटेक्शन है उसको, किसके किसके बलबूते पर वो काम कर रहा है। वरना सरकार इतनी पावरफुल होती है, प्रशासन इतना पावरफुल होता है कि उसको उठा के क्या नहीं कर सकता। तो एक बात यही सामने आती है कि वो उसको किसका प्रोटेक्शन मिल रहा है कि बार बार ऐसे भाइयात बरकत कर रहा है और देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। जबकि हमारा देश अखंडता एकता का है, संविधानिक अधिकार पर सारे लोग इस देश में रहते हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग मानकर रहते हैं और संविधान की बात मानते हैं। लेकिन इन बीच में ऐसे ऐसे ये झोला असामाजिक तत्व आकर भाइयात हरकत कर रहे, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़का कर एक कोशिश ये करना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को भड़काएं। इसके पीछे जो पार्टियाज है, कौन सी पार्टी है, वो खुलेआम तरीके से हैं। वो क्या है, इनकी मंशा क्या है, नफरत फैलाकर अपने वोट बैंक हासिल करना। तो ये नफरत की जो मंशा है उसको बंद करें। ये मीडिया के थ्रू जितने लोग देख रहे हैं, ये मर्यादा को बनाए रखें, किसी भी प्रकार की किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी नहीं करें, वरना उसका जो अंजाम है वो सामने गलत होगा। भाई हमारे साथ प्रशासन है, हमारे साथ सरकार है, और अभी हमने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी हमें बताया कि वो इसको आगे मेल करेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने NSA और UPA के तहत फांसी की मांग की सजा की है। अब देखते हैं कहाँ तक कड़ी कार्रवाई होती है और कहाँ तक जो इसके बोल है वो चुप रहते हैं। अभी आपको बताया कि जब तक वो जेल के अंदर पड़ा रहेगा तब तक उसकी बोलती बंद रहेगी, अगर उसको छोड़ा जाएगा दोबारा से आके वही नफरती बयान देगा। तो मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सभी से अपील है, राष्ट्रपति से अपील है कि उसको NSA और UPA के तहत अंदर जेल में रखा जाए, जिससे देश की अखंडता एकता बनी रहे। धन्यवाद। इस तरीके से आज ज्ञापन दिया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से। काफ़ी जो लोग हैं जो है यहाँ पर आए हुए हैं, सबकी नाराज़गी थी इस बात को लेकर कि उस तरीके का जो बयानबाजी हो रही है वो देश के लिए भी खतरा है। और लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी इस खबर को।